क्या कुछ कार्य किया जाएगा? हम तो अभी एक्चुअली एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं IBP के साथ में, एक सपोर्टिंग हैंड शो कर रहे हैं, पर उसके लिए तो ऑफिस तो ज़रूरी है, इतना बड़ा काम कर रहे हैं। तो आज बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग भी आए और ऑफिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस साथ में हो रहा है। हेल्पिंग हैंड जो आपका एक टाइटल जो हमने सपोर्टिंग हैंड शो, सपोर्टिंग हैंड किस तरह से उसके जरिए काम होगा, किस तरह से सब, क्योंकि जो स्टार्टिंग है उसका सपोर्टिंग है, तो किस तरह से किसे सपोर्ट करेंगे आप इसके माध्यम से? देखो अभी हमारे देश की जो दैनिक परिस्थिति देख रहा, जो कोविड की वजह से जो स्थिति निर्माण हुई, तो सो उसके लिए हम लोगों ने एक संकल्प किया है सपोर्टिंग हैंड शो, जो हमारे देश के 6,40,867 विलेज में जो भी समस्या पीड़ित परिवार है, उस परिवार प्रमुख की डेथ होती है, तो उस परिवार को सब गांव के परिवार से जिंदा इकट्ठा होकर उस विधवा महिला को देना चाहिए और सब NGO ने आगे आके उसे हेल्प करनी चाहिए। और इसीलिए हम लोग देश के सभी VVIP गेस्ट, जैसे कि एक्टर्स, एक्ट्रेस, पॉलिटिशियंस, IAS IPS, सोशल वर्क, डॉक्टर्स, इनको इन्वाइट कर रहे हैं और 140 करोड़ लोगों को आह्वान करें कि हमारे देश में कोई भी समस्या होती है तो सब लोग मिलकर मदद करने के लिए आह्वान करें आगे आ रहे हैं। मतलब ये इनिशिएटिव जो है आप किस तरह से इसको प्रमोट करने वाले हैं, ABP के साथ आपने मतलब गठजोड़ किया है? हाँ, ABP इसको टेलीकास्ट करेगा या ये ABP का इनिशिएटिव आपके साथ ही ये भी प्रमोट करेगा आपके? ये ABP टेलीकास्ट करेगी। एक्चुअली मेरा प्रोडक्शन हाउस है KPower Film, ये प्रोडक्शन प्रेजेंट कर रहा है। एड्रेस भी है श्रीपाल सिंह, मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट, और डॉक्टर प्रवीण जी भी जुड़े हैं हमारे साथ। तो अभी ABP हमें स्लॉट दिया है 22 मिनट्स का और 300 सेकेंड्स दिए स्लॉट में, हम लोग ये टेलीकास्ट वो करेंगे, हम लोग उनको बना के दे देंगे। ये 36 स्टेट के 36 गांव में हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग में, जो कि वहाँ के CM XCM को इन्वाइट करेंगे। अभी फ़िलहाल तो हमारे स्टेट के जो हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे जी सर ने हमें एक्चुअली अक्षय कुमार जी के लिए और एकता कपूर जी और YQ18 के जो CEO उनके लिए रिकमेंडेशन लेटर भी दिया है। अब उनसे भी हमारा बातचीत हो रहा है, नेक्स्ट मंथ में ये नेक्स्ट वीक में वो और नेक्स्ट वीक में कंफर्म हो जाएगा कि वो भी ये शो में आएंगे। ये सोशल वर्क सोशल शो है, इसलिए कोई भी गेस्ट सेलिब्रिटी आ सकते हैं और लोगों को बड़ा एक संदेश दे सकते हैं। तो कोई भी हो हमारे गांव देश के गांव में जो हैंडीकैप है, ब्लाइंड है, तो ऐसा ये हमारा शो का एजेंडा है। जी कन्फर्मेशन मिला है, उनकी टीम से बात हुआ इस चीज़ को? हाँ, अभी बात हुआ, अभी अगले नेक्स्ट वीक में मेरा मीटिंग है, बात हुआ, लेटर भी दे दिया है उन लोगों को। तो नेक्स्ट वो बाहर आउट ऑफ इंडिया है, तो अभी नेक्स्ट वीक में हमारा मीटिंग हो जाएगा और जो भी है मीटिंग होने के बाद में भी हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनका बाइट्स वगैरह भी लेना है। नहीं, ये फंड नहीं, एक्चुअली ये क्या है, ये फंड रेजिंग का ये नहीं है, हम माध्यम बनना चाहते हैं। जो भी गांव में कोई समस्या पड़े, जो कि हमारे गांव के कोई परिवार में कुछ भी समस्या, उसी गांव में उसी परिवार से वहीं के वहीं पे उसको मदद किया जाए, फिर वो हैंडीकैप हो, ब्लाइंड हो, कोई शहीद फौजी हो, तो हम सब एक होना चाहिए मदद करने के, ये हमारा इंटेंस है। सर, आपसे हम चाहूँगा आप इनिशिएटिव के बारे में और आपका कितना योगदान कैसे जुड़े हैं? जी, मेरे मित्र हैं अच्छे, वो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और मैं भी सोशल वर्क करता हूँ एज अ डॉक्टर, मैं ग्रामीण भाग में काम किया हूँ, तो इसलिए मैं कला से जी से जुड़ा हुआ हूँ। तो एक अच्छा शो है, इस शो के माध्यम से हम भारत के कोनों कोनों में जो गरीब लोग हैं और ज़रूरतमंद लोग हैं उनको मदद दिला सकते हैं। सिर्फ हम ही नहीं, हमारे से प्रेरणा लेके लोग जुड़ेंगे उनसे और कुछ संस्थाएँ जुड़ेंगी, वो लोगों की मदद करेंगी, तो इस तरह से क्या काम आगे बढ़ेगा। माध्यम से क्या करना चाहते हैं और कैसे जुड़े हैं इससे? मैं सभी अपने भारत देशवासियों को अपील करना चाहूँगा कि हम एक सपोर्टिंग हैंड शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये शो के माध्यम से लाखों लोगों को मदद मिल सकती है। हमारे गांव में कोई भी अगल बगल में, हमारे शहर में, गांव में या कोई समस्या पीड़ित परिवार है तो उसको मदद करने के लिए आगे आएगी, और जो मदद कर रहा है डोनर भी है और जो मदद करने के लिए आगे आ रहा है, तो हम लोगों से कांटेक्ट कीजिए, हम लोग उनको शो में इन्वाइट करेंगे। उनका जो इतना अच्छा काम है वो हम लोगों को भी दिखाना चाहते हैं, उनका काम देख के और लोग आगे आएंगे हेल्प करने के लिए। और सभी कॉर्पोरेट लेवल, सब एक्टर, एक्ट्रेस, IAS IPS, MP MLA, मिनिस्टर को भी मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग आगे आना चाहिए, सीरियसली बहुत ज़रूरत है आप लोगों की
नीडी पुअर पीपल को, जरूरतमंद को, तो हमारा परिवार समझ के आगे आके मदद करना चाहिए। सबसे पहले नमस्कार आप लोगों को, और मैं सारे मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा शुभ नाम हुआ श्रवण ठाकुर, मैं एज ए एक्टर डायरेक्टर कोरियोग्राफर हूँ बॉलीवुड में, और फिलहाल मैं यूथ प्रेसिडेंट हूँ मैं महाराष्ट्र का, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का, ह्यूमन राइट से मैं जुड़ा हूँ। कैलाश जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और हम एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं। तो जैसा कि इन्होंने मुझे बताया इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, सपोर्टिंग हैंड्स के बारे में, तो मुझे सुन करके बड़ा अच्छा लगा। मैंने सोचा कि किस क्यों ना इनके साथ मिल करके काम किया जाए। जैसा कि मैंने इनके पास देखा कि लेटर जो दिया गया है इनको मंत्रालय के द्वारा, सभी स्टार्स के पास उनके नाम का लेटर दिया गया इनको, तो जब मंत्रालय इनके लिए सपोर्ट में खड़ा है, इस देश के कुछ, जैसे इन्होंने एक फिल्म बनाई मराठी फिल्म, उसके लिए इन्होंने जब पोस्टर लॉन्च किया था तो उसमें श्री नितिन गडकरी जी ने इनका सपोर्ट किया था, तो इस तरह के मिनिस्टर लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये संस्था में मुझे जहाँ तक लगता है जिस तरह से इन्होंने शुरुआत किया है, ये एबीपी न्यूज़ चैनल, जबकि आप जानते हैं कि इस तरह का न्यूज़ चैनल आज तक कभी किसी तरह का कोई रियलिटी शो किसी के सपोर्ट में कोई खड़ा नहीं हुआ है, लेकिन ये भी एबीपी न्यूज़ नेशनल चैनल है और इस चैनल पर अगर इस तरह का शो आता है तो मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान के लोग इस सपोर्ट के लिए लोग खड़े हो जाएंगे इसमें।